नमस्कार, मैं शाहीन। पेश है आज की ताजा खबरें। यूपी के चंदौली में मकर संक्रांति के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बलुआ घाट का औचक निरीक्षण किया। इसमें जो कमियां दिखी उसको थाना अध्यक्ष सूर्य प्रताप सिंह को सुधारने के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए। सभी रजिस्टरों को विधिवत चेक करते हुए कमियों पर आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि शीघ्र ही कमियों को सुधार कर जनता की शिकायत को दूर करें और साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना होगा। झालावाड़ जिले के अकलेरा के सरडा में कांग्रेस जिला अध्यक्ष कैलाश मीणा ने मरहूम शाहिद की स्मृति में एसपीएल क्रिकेट क्लब की ओर से आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। जिला अध्यक्ष मीणा ने कहा है कि खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। कभी भी खेल के दौरान ईर्ष्या की भावना उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। खेलने से शारीरिक और मानसिक वृद्धि होती है। इस कार्यक्रम के आयोजक सुरेश तनवर, महावीर गोयल और राधा किशन ने बताया कि क्षेत्र की लगभग 3 दर्जन से अधिक ग्रामीण क्षेत्र ने टीम ने भाग ले लिया है। टूर्नामेंट का पहला मैच घाटोली और सरडा के बीच खेला गया, जिसमें घाटोली की टीम 7 विकेट से विजयी हुई। मध्य प्रदेश के उज्जैन के रामघाट पर मकर संक्रांति स्नान पर्व का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रामघाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान के बाद पूजा अर्चना की। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने रामघाट पर जाकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नगर निगम को घाट पर व्याप्त साफ सफाई रखने और नदी को प्रदूषित करने वाली सामग्री प्रवाहित करने से रोकने के लिए आवश्यक कर्मचारियों को तैनात करने का भी आदेश दिया। यूपी के मथुरा में दिल्ली आगरा हाईवे मशानी फ्लाईओवर के नीचे 3 हथियारबंद बदमाशों ने घने कोहरे की आड़ में लूट की वारदात को अंजाम दिया। जी सर, जो लूट की घटना हुई है कहां पर और किसके साथ हुई? ये ललितपुर से सुमित सिंह अपने 5-6 अन्य लोगों के साथ, उनका एक बाबूलाल जी हैं जो आए थे वृंदावन, उनकी तबीयत खराब हो गई थी और यहाँ 100 बेड हॉस्पिटल। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद जनपद के मूढ़ा पांडे थाना क्षेत्र के भदासना स्थित हवाई पट्टी एयरपोर्ट पर अज्ञात चोरों ने यात्री कक्षा में शीशे तोड़कर एक्सप्रेसवे मशीन चोरी करने की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक एयरपोर्ट पर ड्यूटी कर रहे पुलिस गार्ड ने चोरों को ललकारते हुए यात्री कक्षा में रखी एक्सप्रेसवे मशीन चोरी करने का विरोध किया तो अज्ञात चोरों ने गार्ड को जान से मारने की धमकी भी दी थी, जिसके चलते ड्यूटी कर रहे पुलिस गार्ड ने लाइसेंसी सरकारी बंदूक से फायरिंग की, जिसमें अज्ञात चोरों ने फायरिंग की आवाज सुनते ही चोर मशीन छोड़कर अपनी जान बचाते हुए भाग निकले। इसके बाद निर्माणाधीन संस्था राज के निर्माण निगम अधिकारियों ने नागरिक उड़ान विभाग को पूरे मामले की जानकारी दी, जिसमें नागरिक विभाग निगम अधिकारियों ने मुरादाबाद वरिष्ठ अधिकारियों से चोरी के पूरे मामले को अवगत कराया। मुरादाबाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्माणाधीन एयरपोर्ट पर इस घटना के बाद पुलिस कर्मियों की और तैनाती की बात की गई है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ सूर्य उपासना और दान पुण्य का प्रतीक मकर संक्रांति का पर्व शहरी नहीं ग्रामीण इलाकों में भी पूरी आस्था के साथ धूमधाम से मनाया गया। सुबह जल्दी उठकर लोगों ने स्नान किया और सूर्य देव की उपासना की। गरीबों और पंडितों को तिल और खिचड़ी दान की। दूसरी ओर युवाओं ने दिन भर सितोलिया और पतंगबाजी का लुत्फ उठाया। साथ ही कई समाज सेवी संस्थाओं में परशुराम सेना दाधीत समाज और पोरवाल परिवार ने दान पुण्य करते हुए भोजन भी कराया। वहीं बच्चों से लेकर वृद्धों तक ने सितोलिया खेलकर आनंद लिया। किस प्रकार का आयोजन रखा? ये परशुराम सेना और दाधीत समाज द्वारा ये आयोजन रखा गया है। पिछले 8 वर्षों से कंटिन्यू रख रहे हैं, इस बार 9वां वर्ष है और इसमें हमारे पूरे परशुराम सेना की टीम, दाधीत समाज की टीम, हमारे जिला संयोजक पीनू जी मीनारिया और इनकी पूरी कार्यकारिणी, इनका बहुत बहुत आभार। हर वर्ष कंटिन्यू ये 2 क्विंटल खींच का दान करते आए हैं और ये हमेशा निरंतर अनवरत चलता रहेगा। मेरा नाम कमलेश कुमार पोरवाल है। कमलेश जी, बात किया जा रहा है, विगत 10 वर्षों से हम मकर संक्रांति के ऊपर ये भोजन का प्रोग्राम रखते हैं और चित्तौड़गढ़ सामान्य चिकित्सालय में जो भोजनशाला चलती है वहाँ आज भोजन नहीं बनता है और हमारी तरफ से भोजन जाता है। वहाँ जो भी लोग आते हैं उनको भोजन कराते हैं और 3-4 जगहों पर और हम भोजन बांटते हैं। ये वहाँ प्रसाद है, इसमें कम हज़ारों लोग भाग लेते हैं और ये प्रसाद पाते हैं। मकर संक्रांति एक महापर्व है, उस उपलक्ष्य में हम विगत 10 वर्षों से प्रोग्राम करते आ रहे हैं।
मकर संक्रांति किसके जो मकर संक्रांति का प्रिय खिचड़ा होता है, जो खिचड़ा और एक सब्जी हरी सब्जी और पूरी वगैरह, ये पूरी हम बनाते हैं और बहुत ही अच्छी बनती है और लोग सब हर साल फिक्स याद रखते हैं तो मकर संक्रांति के पर्व पर हम प्रसाद लेने आएंगे। और ये आपके सब लोगों के सहयोग से निरंतर लंबे लगातार जारी रहेगा। किस प्रकार का राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में मंगलवार रात परिसर के कॉटेज वार्ड के पास खड़ी एक सरकारी गाड़ी को चोरों ने अपना निशाना बनाया। चोरों ने एक सरकारी गाड़ी से बैटरी निकाली। इस मामले की शिकायत सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मध्य प्रदेश के बैतूल में 16 जनवरी से स्वास्थ्य कर्मचारियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगने वाले कोरोना वैक्सीन की पहली खेप बैतूल पहुंच गई है। सशस्त्र बल की सुरक्षा के साथ पहुंची इस खेप को कड़ी निगरानी में रखा गया है। अब इन वैक्सीन को CHC सेंटर्स पर भेजने की तैयारी की जा रही है। कोरोना वैक्सीन को लगाए जाने से लेकर 16 जनवरी से पूरे देश में शुरू हो रहे अभियान के साथ ही फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी वैक्सीन की पहली डोज लगाई जाएगी। यूपी के कन्नौज के ब्लॉक गुगरापुर में किसान कल्याण मिशन का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में खेतों में डालने वाले उर्वरक और गर्भवती महिलाओं को दलिया जैसे सामान का वितरण किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि श्याम प्रताप सिंह भदौरिया, पूर्व प्रधान उप कृषि निदेशक श्री आर्यन सिंह, खंड विकास अधिकारी श्री JN राव, समाज कल्याण अधिकारी श्री अंजनी कुमार, कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक श्री अमर सिंह यादव, सुपरवाइजर संजू और वर्मा पाल सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी कन्नौज और अन्य लोग भी मौजूद रहे। यूपी के मुरादाबाद में पिछले 8 से 10 दिनों से मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में हो रही छटनी के दौरान निकाले गए 110 कर्मचारी और उनके परिजन परिसर में विरोध प्रदर्शन पर कर रहे हैं। धरने पर बैठे लोग प्राधिकरण की VC के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार भी बड़ी ही उन्मुक्तता से कर रहे हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक 10 से 12 साल की बच्ची धरना स्थल पर बैठे लोगों के बीच खड़ी होकर माइक से अपने पिता की नौकरी छूटने की पीड़ा बयान करने की कोशिश कर रही है और बच्ची ने अपने पिता का दुख जिन शब्दों में जाहिर किया है उससे वहां बैठे लोगों की आंखें नम हो गईं। इस बच्ची का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश के बैतूल में बालक छात्रावास खुलवाने की मांग पर अड़े अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में उनका विज्ञापन लेने आए कलेक्टर राकेश सिंह को यह कहकर वापस कर दिया कि जब तक उन्हें लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता वे कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठे रहेंगे। कार्यकर्ताओं की मांग है कि वे सभी पोस्ट मैट्रिक पिछड़ा वर्ग ब्लॉक छात्रावास के विद्यार्थी हैं। देश में COVID-19 के बाद सरकार के नियमों के अनुसार बालक छात्रावास मार्च 2020 से कोरोना सेंटर बनाए गए थे, जिसके कारण 100 सीटर छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों को पलायन करना पड़ा था। यह छात्रावास आज तक शुरू नहीं किया गया। अब जब सभी कॉलेज शुरू कर दिए गए हैं और प्रतियोगी परीक्षाएं भी शुरू हो गई हैं, ऐसे में उनके छात्रावासों का खोला जाना चाहिए। मेरा नाम देवेंद्र दुर्वे, मेरे पास अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जिला जनजाति के साथ दायित्व है। दिक्कतें तो देखिए, बैतूल एक जनजाति क्षेत्र बहुल क्षेत्र ऐसा माना जाता है, जनजाति की क्षेत्र है, जिसमें काफ़ी दिक्कतें यहाँ पे जो बच्चे छात्रावास में रहते हैं काफ़ी दिक्कत रहती है। जैसे अभी कॉलेज खुल गए तो उसकी तरह से हॉस्टल भी खुलना चाहिए। हॉस्टल नहीं खुलेंगे तो कॉलेज में बच्चे कैसे आ पाएंगे? लगभग यहाँ से 100-200 किलोमीटर दूर बच्चे रहते हैं, फिर वो कैसे आ पाएंगे? 100 रुपये किराया लगता है, तो इससे काफ़ी दिक्कत होती है छात्रों की, इसलिए समस्या खड़ी हो चुकी है यहाँ पे। यहाँ पे लगभग तीन प्रकार के छात्रावास है, SC ST OBC, ऐसे 3-4 छात्रावास है, जिसमें कम से कम 500 से 600 छात्र ऐसे हैं जो बाहर से पढ़ने हॉस्टल में रहते हैं, इससे काफ़ी समस्या हो रही है छात्रों को। निराकरण अभी तक कोई हमारा सीधे स्पष्ट है कि ऊपर से आप यहाँ से टैक्स करिए और वहाँ तक आप पहुँचाइए, आदेश शासन का आदेश हमको दीजिए कि कब तक खुलेगा, स्पष्ट बताइए। जब तक छात्र यहाँ से हटेगा नहीं, कलेक्टर ऑफिस से यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, जब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। आज की खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।